नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त, कल के सेशन में हमने तीनों ही काउंटर में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। कॉटन में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, प्राइजेस में 0.25% की तेजी के साथ 16,480 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कपास में भी हमने 1,000 का लेवल सस्टेन करके 1,012 का लेवल रिगेन किया है। कॉटन सीड ऑयल केक में पिछले 2-3 दिनों में हमने एक सीमित रेंज देखा। जैसे हमने बताया था कि 1870 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है और 1930 का लेवल नहीं तोड़ता है, कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आज भी सेम यही व्यू है, आपको कोई नई पोजीशन नहीं बनानी है। आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 1870 तोड़े तो हम बेचेंगे, 1930 तोड़ेंगे तो लेंगे। लेने में सिचुएशन थोड़ा सा देखिए, लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है, हम ऊपर में वापस 2200, 2400, 2500 के भी लेवल देखेंगे। बट हमारा सीजनैलिटी अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि सितंबर में बड़ी गिरावट आ सकता है। ऑलरेडी जो मार्केट में तेजी के कारण थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं, 1930, 40, 50 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। 1870 तोड़े तो बेच के काम करना है, लेने का काम 1930-35 के क्लोज होने पे ही करना है। तो संभल के ट्रेड करना है, बड़ा पोजिशन नहीं बनाना है। 1870-1930 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। अगर बायस की बात करो तो मुझे लगता है 1870 का लेवल पहले तोड़ना चाहिए एक बार, उसके बाद ही ये 1930 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रैली देख चुके हैं। नो डाउट महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे अभी भी बारिश काफी सीवियर है। डैमेजेस की रिपोर्ट एज ऑफ नाउ कुछ पिकअप नहीं की है, बट ध्यान रखिए अगर डैमेजेस की रिपोर्ट आती है तो कॉटन के प्राइजेस में, कपास के प्राइजेस में और कॉटन सीड के प्राइजेस में एक बार सेंटिमेंटल बाउंस मिल जाएगा। साथ में पिंक बॉल बॉम्ब का भी जो इशू हमने महाराष्ट्र में रेज होते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी को चेंज कर देगा। बट आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए 1870-1930, यही अगर हम चार्टिकली देखें तो कॉटन में भी जब तक 16,800 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट दायरे में रहेगा। कॉटन सीड ऑयल के जब तक 1930-1940 के ऊपर नहीं जाता, अगर वो तोड़ भी देगा तो 1990 पे जाके अटक जाएगा। तो हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज का बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है जो करीबन 1870 पे पहुंच चुका है, तो जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है प्लीज बड़ी विपल। यहाँ प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना एक स्ट्रांग सिग्नल है, तो लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है, बट पुलबैक मिल जाए तो बेटर है बाइंग के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।